सोशल मीडिया पर हंगामा मच चुका है, कंगना रनौत वर्सेस विकास सिंह हो चुका है। जी हाँ, विकास सिंह है सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के लॉयर। अब ऐसा क्यों हुआ है ये मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहा। बता दूं आपको कि सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर विकास सिंह ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसके वजह से टीम कंगना रनौत और कंगना रनौत के अगेंस्ट वो बातें जा रही हैं। जी हाँ, चलिए आपको बताते हैं। वेल, कुछ ही वक्त पहले इस तरह की बातें आई थी कि विकास सिंह ने किसी प्लेटफॉर्म पर ये कहा है कि कंगना रनौत की वजह से ये जो पूरा मुद्दा है ये नेपोटिज्म की तरफ घूम गया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये मुद्दा रिया और अंदरूनी एक पॉलिटिक्स पर घूमना चाहिए था, लेकिन कंगना ने अपना पर्सनल एजेंडा फुलफिल करने के लिए ये सारी बातें की, और पर्सनल एजेंडा फुलफिल करने के लिए कंगना रनौत ने ये सारी चीज़ें कही हैं, नेपोटिज्म की तरफ लेकर चली गई वो इस मुद्दे को। सो, इस चीज़ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हाल ही में कंगना रनौत की टीम ने भी इस बात की जानकारी दी थी कि ये सब फेक बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, विकास सिंह जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। लेकिन अब बकायदा वीडियो आउट हो चुका है। जी हाँ, प्रॉपर वीडियो आउट हो गया है जहां पर विकास सिंह जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो पूरा मुद्दा है ये नेपोटिज्म की तरफ कंगना रनौत ने घुमा दिया, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। और केस की जो जड़ है, केस का जो मोटिव है वो कहीं और था, लेकिन कंगना की वजह से ये नेपोटिज्म की तरफ घूम गया है। सो, अब ऐसा लग रहा है कि ट्विटर पर जो है कंगना वर्सेज विकास सिंह हो गया है। तो कहीं ना कहीं अब तक भले कंगना रनौत सपोर्ट करती नजर आ रही थी सुशांत सिंह राजपूत को, लेकिन अब वर्सेस में नजर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कई लोगों ने विकास सिंह को जरा सा उनके अगेंस्ट में लोग बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप अपने स्टेटमेंट्स क्यों चेंज कर रहे हैं, पहले कंगना को आप सपोर्ट कर रहे थे, अभी आप कह रहे हैं कि कंगना ने पूरा मुद्दा पलट दिया है। और कंगना के जो फैंस हैं वो भी विकास सिंह को इस तरह की बातें कह रहे हैं। तो देखना ये होगा कि फैमिली इस पर क्या कुछ कहती है, लेकिन विकास सिंह जी का ये कहना है कि पूरा मुद्दा जो है ये नेपोटिज्म की तरफ घुमा दिया गया, जबकि नेपोटिज्म का इससे कोई लेना देना ही नहीं था। अब आप लोग मुझे एज अ व्यूअर बताइए कि आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे, और कंगना ने अभी तक डायरेक्टली इस चीज पर, स्टेटमेंट पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। देखना ये होगा कि क्या कुछ कंगना भी कहती हैं। भाई बेस्ट ऑफ लक बिग बॉस के लिए। दोनों की तस्वीर लेता हूं मैं, सोशल डिस्टेंसिंग है। दोनों की तस्वीर लेता हूं मैं, सोशल डिस्टेंसिंग है। सर आपके लिए है हम लोग। भाई लो भाई ले 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 सर आप लोग के लिए है सर। सर आपके साथ है हम लोग। सर हम लोग सब माफ देने सर। हाय, अरे संभल। अरे कड़क ये भाई थोड़ा कट रहे, बस 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 भाई बेस्ट ऑफ लक बिग बॉस के लिए। सर आपके लिए है हम लोग। भाई लो भाई ले 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 सर आप लोग के लिए सर। सर आपके साथ है हम लोग। सर हम लोग सब माफ देने सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर जी। चलो 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 Oh,
Hey guys, hi. So I've been binging on all things entertaining these days, and I want to share a film that I just saw. It's called Khuda Hafiz, and it's on Disney Plus Hotstar VIP. There are many things about this film that kept me hooked. But if you are a Vidyut fan, like my mom is, by the way, she follows him on Insta and keeps talking to me about his philosophy and all of that, his teachings on health and fitness. If you are a fan like her, then you have to add Khuda Hafiz to your watch list. I really wish that I could congratulate this team live, but I think we all have to adapt to the new normal, so it's going to be Insta live. I would love to chat about this film and its scenes and its songs and all the things that I really loved about this film. So what do you say, Vidyut? Do you want to do this virtually with me, say Saturday 4 p.m. if you're free? Let me know. I'll keep my questions ready. So hoping to chat with you and all of you on Insta Live Saturday 4 p.m. See you guys there. Bye-bye. सतीश मानिशिंदे जो कि रिया चक्रवर्ती के लॉयर हैं, उन्होंने सीबीआई और रिया को लेकर कई बातें कही हैं। जी हाँ, क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहा। बता दूं आपको कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई के हाथ में अब बागडोर आ चुकी है, और ऐसे में सीबीआई ने कई लोगों को समन किया है, चाहे वो दीपेश सावंत हो, चाहे वो नीरज हो, या फिर वो सिद्धार्थ पिटानी हो, सभी लोगों से इंटेरोगेशन कर रही है सीबीआई। लेकिन रिया चक्रवर्ती का नंबर अभी तक नहीं आया है। लेकिन जब रिया के लॉयर सतीश जी से पूछा गया, तो सतीश मानिशिंदे का ये कहना था कि रिया या फिर उनकी फैमिली या ब्रदर या फादर किसी को भी अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई भी समन लेटर या कोई भी लेटर नहीं आया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर आता है तो फिर जिस तरीके से अभी तक हमने कोऑपरेट किया है, बिकॉज हम भी चाहते हैं सच बाहर आए, जिस तरीके से अब तक हमने कोऑपरेट किया है, हम आगे भी कोऑपरेट करेंगे। सो कहीं ना कहीं सतीश मानिशिंदे ने रिया का पक्ष तो रख दिया है कि रिया तभी रिस्पॉन्ड बैक करेंगी जैसे ही सीबीआई जो है वो अपनी तरफ से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करती है। जैसे इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें कॉल आएगा, वैसे ही वो कोऑपरेट करेंगे और वो सीबीआई के साथ इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा, मतलब सीबीआई को हेल्प करेगी इन्वेस्टिगेशन में। सो कहीं ना कहीं सतीश ने रिया का साइड क्लियर कर दिया है। अब आप लोग मुझे बताइए क्या कुछ आप लोग कहना चाहते हैं।